आज कांग्रेस ने वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के लिए नाटकीय ढंग से बदरुद्दीन कुरैशी को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। इससे कार्यकर्ताओं में भारी जोश फैल गया। टिकट मिलने पर वैशाली नगर के प्रत्याशी बदरुद्दीन कुरैशी को बधाई देने के लिए भिलाई नगर के प्रत्याशी देवेंद्र यादव भी पहुंचे। दोनों ने पूरा टाइम से इस तरह से बातचीत की। अभी टिकट आपका कंफर्म हो गया, इसके चर्चे में बताएंगे सर। बंद हो गया मेरा भैया, हाई कमांड ने मुझ पर विश्वास किया है। जो आस्था है, समर्पित जो भावना है, उसी आधार पर मुझको आज वैशाली नगर से हाई कमांड ने टिकट दिया। मैं हाई कमांड को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और तमाम मेरे भिलाई के जितने दुर्ग जिले के कार्यकर्ता हैं उनको भी मैं बधाई देता हूँ कि उन सब लोगों की मेहनत थी, उन लोगों ने प्रार्थना की और ईश्वर ने प्रार्थना सुन ली, उस आधार पर मुझको आज टिकट मिला है। इसके लिए मैं पूरे भिलाई के, दुर्ग जिले के, छत्तीसगढ़ के लोगों का बहुत धन्यवाद। देवेंद्र सर जी, आप बोलेंगे, आप तो पहले प्रत्याशी हैं भिलाई नगर निगम के, आप बताएंगे इस पर। देखिए, पूरे दुर्ग जिले के अंदर और छत्तीसगढ़ के अंदर जिस तरीके से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और जिस तरीके से पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार है, निश्चित रूप से हम लोग इस बार बहुत बड़ी बहुमत के साथ सरकार बनाकर छत्तीसगढ़ में स्थापित होंगे। कार्यकर्ता खुशी में भरकर भारी नारेबाजी कर रहे हैं, परंतु टिकट मिल जाना ही चुनाव जीतने का पर्याय नहीं होता है। अब बदरुद्दीन व उसके समर्थकों को आम जनता कितना पसंद करती है, यह तो वोट काउंटिंग के बाद ही पता चलेगा।